हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हम हमारा सेकेंड क्लास करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसमें हम समझेंगे कि झारखंड में कितने तरह के प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स और हिल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का जो टोपोग्राफी है वो फॉर्म हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड टोपोग्राफी। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है झारखंड टोपोग्राफी के फॉर्मेशन में, है ना। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। दिस प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। इट एक्सटेंड्स टू द बॉर्डर ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ बिहार एंड छत्तीसगढ़। ये चार स्टेट्स तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार जो है चार स्टेट्स में है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ प्लेट्यू लैंड ऑफ झारखंड इज टेरेस्ट। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज मेनली फॉर्म फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ लावा। तो झारखंड का जो प्लेट्यू है वो किस तरह है? सीढ़ीदार है। ठीक है, उसका स्वरूप जो है सीढ़ीदार है, टेरेस्ड है। और छोटा नागपुर पठार का यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का फॉर्मेशन किससे हुआ है? लावा के डिपॉजिट से हुआ है। द इग्नियस रॉक ऑफ दिस प्लेट्यू हैव बीन मेटामॉर्फोज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो यहाँ पे जो इग्नियस रॉक है वो क्या होते हैं? हैव बीन मेटामॉर्फोज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अग्नि चट्टानों का बड़े पैमाने पे रूपांतरण हुआ है। तो ये जो इग्नियस रॉक है इस प्लेटू के, वो बहुत लार्ज स्केल में इसका मेटामॉर्फोज्ड हुआ है जिससे ये बना है। इन झारखंड द एबंडेंस ऑफ आर्कियन रॉक्स डिक्रीज इन द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एंड प्लेट्यू स्लोप द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन झारखंड ड्यू टू एबंडेंस ऑफ आर्कियन रॉक डिक्रीज इन पोरोसिटी ऑफ सॉइल एंड प्लेट्यू स्लोप द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज लेस, एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज टू बी वेरी लेस हियर। ठीक है, झारखंड में आर्कियन चट्टाने जो है, आर्कियन रॉक्स जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है जिससे मिट्टी में जो पोरोसिटी है, सांद्रता, और प्लेट्यू में जो ढलान है, स्लोपी प्लेट्यू है, इसके वजह से जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है ना, तो अंतःस्पंदन दर काफ़ी कम है जिसके वजह से अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है झारखंड में। द एवरेज हाइट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज 760 मीटर। छोटा नागपुर प्लेट्यू का एवरेज हाइट जो है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। इट्स हाइस्ट पीक इज समेत शिखर पारसनाथ हिल विच हैज़ हाइट ऑफ 1,365 मीटर। इट इज़ ऑल्सो द हाइस्ट पीक ऑफ झारखंड। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही समेत शिखर पड़ता है जिसको हम पारसनाथ हिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हाइट है 1,365 मीटर। ठीक है, फिट में होगा 4,478 फिट, जो कि झारखंड का हाइस्ट पीक भी है। डिवीज़न ऑफ झारखंड टोपोग्राफी। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है वो किन भागों में विभाजित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है पैट रीजन है, पैट क्षेत्र है जो वेस्टर्न प्लेट्यू कहा जाता है, फिर रांची प्लेट्यू है, फिर है हजारीबाग प्लेट्यू, और उसके बाद हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ राजमहल। राजमहल के प्लेन्स और पहाड़ी क्षेत्र जो है ये फोर्थ में आते हैं। तो झारखंड का टोपोग्राफी चार भागों में विभाजित है जिसमें पैट क्षेत्र, पैट रीजन पहला है, और सेकंड है रांची प्लेट्यू, थर्ड है हजारीबाग प्लेट्यू, एंड फोर्थ इज हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ राजमहल। फिर हम देखेंगे कि पैट रीजन क्या है या फिर पैट क्षेत्र क्या है, जिसको हम लोग वेस्टर्न प्लेट्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? पश्चिमी पठार भी कह सकते हैं। दिस पार्ट वॉज फॉर्म इन द इओसीन पीरियड। ये जो भाग है ये इओसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। पार्ट मीन्स फ्लैट ग्राउंड। अपार्ट फ्रॉम पारसनार इट इज द हाइस्ट पार्ट ऑफ झारखंड। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची टू द साउथ साउदर्न पार्ट ऑफ द पलामू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
तो पार्ट मीन्स फ्लैट ग्राउंड होता है, समतल भूमि होता है, और पारसनाथ के अलावा ये हाइस्ट पार्ट है, झारखंड का ये हाइस्ट पार्ट है, सबसे ऊंचाई वाला इलाका है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी भाग से लेके रांची के उत्तर पश्चिमी भाग से लेके साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट और पलामू डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पार भाग की ओर फैला हुआ है, ठीक है, इतना इसका एक्सटेंशन है। द शेप ऑफ पार्ट रीजन इज ट्राइंगुलर, पार्ट रीजन का कैसा शेप है, ट्राइंगुलर है, यानी कि त्रिभुजाकार है। इट्स टॉप इज इन द साउथ एंड इट्स बेस इज इन द नॉर्थ, इसका जो शीर्ष है, इसका जो टॉप है वो साउथ में लाई करता है और इसका जो बेस है वो नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है, उत्तर की ओर इसका आधार पड़ता है। द अपर पार्ट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड टांड एंड द लोअर इज दून, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग टांड कहते हैं और जो निचली हिस्सा है उसको दून कहा जाता है लोकल भाषा में। द एवरेज हाइट ऑफ द पार्ट एरिया इज 900 मीटर्स विच इज 3000 फीट अबव सी लेवल, तो पार्ट एरिया का जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर है, यानी कि 3000 फीट अबव सी लेवल, तो समुद्री तल से उसकी ऊंचाई 900 मीटर यानी कि 3000 फीट है। थ्री हाईएस्ट पार्ट्स ऑफ झारखंड आर नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट एंड जमीरा पार्ट, ये तीन हाईएस्ट पार्ट मौजूद हैं झारखंड में, ठीक है, कौन कौन से, नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट एंड जमीरा पार्ट, ये तीन हाईएस्ट पार्ट है झारखंड के। मेजर पार्ट फ्रॉम स्टेट्स आर महुआ पार्ट, कसली नहीं कच्ची पार्ट, खामर पार्ट, बागडू पार्ट, गद पार्ट, पाखर पार्ट, बंगला पार्ट, ललमटिया पार्ट, ये सब रुदनी पार्ट, ये सब अदर पार्ट रीजन है झारखंड के। द मेजर हिल्स ऑफ फुट रीजन ऑफ आर सानू एंड सरू पहाड़ी, ठीक है, सानू और सरू पहाड़ी इनके मेजर हिल्स है। द घाट एरिया इज ऑल्सो ओरिजिन ऑफ रिवर लाइक नॉर्थ कोयल एंड संग एक्सेट्रा, घाट एरिया इज ऑल्सो ओरिजिन ऑफ रिवर्स लाइक नॉर्थ कोयल एंड संक, ठीक है, घाट क्षेत्र जो है उत्तरी कोयल और संक नदियों का आदि का भी उद्गम स्थल है। सोसर शेप्ड बारवे प्लेन इज पार्ट ऑफ झारखंड रीजन, तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड पार्ट रीजन का पार्ट क्षेत्र का हिस्सा है। सेकेंड है रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू पार्ट ऑफ झारखंड, जो रांची प्लेट्यू है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेट्यू पार्ट ऑफ झारखंड है, ठीक है, सबसे बड़ा पठारी भाग है झारखंड का। द एरिया विद एन एवरेज हाइट ऑफ 600 मीटर एबव सी लेवल, और ये जो इसका जो एवरेज हाइट है एबव सी लेवल कितना है, 600 मीटर यानी कि लगभग 1970 फीट, ठीक है। रांची प्लेट्यू इज स्क्वायर इन शेप, इसका जो आकार है वो चौकोर है। द रिवर्स कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेट्यू एरिया फॉर्म्स वाटरफॉल ड्यू टू देयर डिस्चार्ज ऑन द एजेज ऑफ द प्लेट्यू, तो ये जितने भी रिवर्स इस प्लेट्यू से निकलते हैं और प्लेट्यू रीजन के बाहर एरिया में आते हैं वो वाटरफॉल्स बनाते हैं, ठीक है, तो पठारी से निकलने वाली नदियाँ पठार के किनारों पर प्रवाहित होने के कारण झरने का निर्माण करती हैं, तो बाहरी क्षेत्र में आने पर वो वाटरफॉल बनाती हैं बिकॉज ऑफ द एजेज ऑफ द प्लेट्यू। अमोंग दीज द मेजर वाटरफॉल्स आर बूढ़ागाग, लोधागाग, हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतमधारा, ये सब इनके मेजर वाटरफॉल्स हैं। द अपर पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू रीजन इज कॉल्ड टांड एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड दून, तो इस प्लेट्यू का भी जो अपर पार्ट है उसको टांड कहा जाता है और लोअर पार्ट को दून कहा जाता है। थर्ड नंबर क्या है, हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू का दो डिवीजन है, प्लेट्यू ऑफ अपर हजारीबाग और लोअर हजारीबाग, ठीक है, तो प्लेट्यू ऑफ अपर हजारीबाग में क्या है, इट एक्सटेंड्स पैरेलल टू द रांची प्लेट्यू इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, तो ये रांची प्लेट्यू का पैरेलल ही चलता है, ये हम देखेंगे, ये रांची पठार है, रांची प्लेट्यू है और इसके पैरेलल में ही हजारीबाग प्लेट्यू है, ये अपर हजारीबाग प्लेट्यू है और ये जो है अपर हजारीबाग प्लेट्यू है और ये जो है ये लोअर हजारीबाग प्लेट्यू है। इन द पास्ट
इट वॉज एसोसिएटेड विद रांची प्लेटू बट द इरोजन ऑफ दामोदर रिवर सेपरेटेड इट फ्रॉम रांची प्लेटू। ठीक है, अतीत में ये रांची पठार का ही हिस्सा था पर दामोदर नदी के कटाव के कारण ये क्या हो गया, ये रांची प्लेट्यू से अलग हो गया। ये देख सकते हैं ये रांची प्लेट्यू है और ये हजारीबाग प्लेट्यू है और ये जो है दामोदर रिवर बेसिन है और इनके बीच में कटाव होने के कारण हजारीबाग और रांची का पठार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू इज 600। ठीक है, इसका भी एवरेज हाइट सी लेवल्स के ऊपर कितना है, 600 मीटर का है, यानी कि 1970 फीट, है ना, 1970 फीट है। लोअर हजारीबाग प्लेट्यू क्या है, दिस इज द लोएस्ट अल्टीट्यूड प्लेट्यू रीजन ऑफ झारखंड। ठीक है, ये झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, स्प्रेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न पार्ट में है। बींग लोकेटेड इन द आउटर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटर प्लेट्यू और छोटा नागपुर के बाहरी भाग में स्थित होने के कारण इसे बाहरी पठार भी कहा जाता है। दिस एरिया इज 450 मीटर एबव द सी लेवल, इसका इस एरिया का हाइट है सी लेवल से 450 मीटर ऊपर है और इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन द झारखंड और यही है झारखंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट। इन दिस रीजन ऑन द प्लेट्यू ऑफ गिरिडीह नियर द वैली ऑफ बारकर रिवर लाइज द हिल पारसनाथ हुज हाइट इज 1365 मीटर। ठीक है, इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार के बराबर बराकर नदी में घाटी के पास पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, बराकर रिवर वैली में क्या है, पारसनाथ हिल है जो हाइट है जिसका 1365, जो हाईएस्ट माउंटेन है झारखंड का। इट इज़ मेड फ्रॉम हार्डेस्ट पायरोक्सिन ग्रेनाइट और ये किससे बना है, हार्डेस्ट पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना है, कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ राजमहल, तो राजमहल के जो हिल्स है और प्लेन्स है वो किससे बने हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ अनइवन रिवर वैली प्लेन्स, ये किससे बना हुआ है, असमान नदी घाटियों और मैदानों से बना हुआ है। दिस प्लेट्यू रीजन हैज़ एवरेज हाइट ऑफ 150 to 300 meters एबव सी लेवल। द हिल ऑफ राजमहल लोकेटेड इन द रीजन एक्सटेंड टू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो राजमहल हिल जो है वो उसका एक्सटेंड कहाँ तक है, बिहार के साउथ ईस्टर्न पार्ट तक भी इसका फैलाव है। राजमहल हिल एक्सटेंड टू दुमका देवघर गोड्डा पाकुड़ साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। राजमहल हिल एरिया 2000 square meters। ठीक है, राजमहल हिल का एरिया कितना है, 2000 square kilometers है, 2000 square kilometers इसका एरिया है और कहाँ कहाँ एक्सटेंड है इसका, दुमका देवघर गोड्डा पाकुड़ और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सपेंशन है। द लोकल नेम ऑफ पॉइंटेड हिल इन द रीजन इज टोंगरी एंड द डोम शेप्ड हिल्स इज कॉल्ड टोंगरी। ठीक है, तो पॉइंटेड हिल अगर होगा तो उसको टोंगरी कहेंगे और डोम शेप्ड हिल होगा तो उसको डोंगरी कहते हैं, जो लोकली उसको कहा जाता है। द प्लेन ऑफ चाईबासा इज द मेन प्लेन ऑफ दिस रीजन विच इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम। तो ये चाईबासा प्लेन है, चाईबासा के मैदान है, ये ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट में किसके, वेस्ट सिंहभूम के ईस्ट सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। द चाईबासा प्लेन इज बाउंडेड बाय द दलमा रेंज इन द नॉर्थ, दलभूम इन द ईस्ट, कोलाहान हिल इन द साउथ, सरंडा फॉरेस्ट इन द वेस्ट एंड पोराहाट रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। तो चाईबासा के मैदान में उसके उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ पे क्या है, दलमा पर्वतमाला है, दलमा रेंज है। ईस्ट में दलभूम है, ईस्ट की ओर क्या है, दलभूम रेंज है। साउथ की ओर क्या है, कोलान हिल्स पड़ता है और वेस्ट की ओर क्या पड़ता है, सरंडा फॉरेस्ट पड़ता है और पोराहाट रेंज जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये चाईबासा प्लेन है, इधर दलभूम, ठीक है, ये दलमा श्रेणी है, फिर ये कोलान पहाड़ी है, ठीक है, और ये पोराहाट रीजन है। टू इट्स साउथ लाइज द अजय रिवर वैली और इसके साउथ में क्या है, अजय नदी घाटी स्थित है।